नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राधे 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 राधे। क्या बात है, कोई तैयारी नहीं दिख रही है हमें। तैयारी किस बात की? और मंजू तुम इतना सज संवर कर क्यों आई हो? आज तीज का त्योहार है कनिका जी। किटी पार्टी में तो तय हुआ था कि इस बार तीज की पूजा आपके घर पे ही होगी। याद है ना कनिका, कहा तो था तुमने। हाँ तय तो हुआ था। तय किया है तो तीज की पूजा हमारे घर में ही होगी। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। शाम के 7 बजे आप लोग आ जाइएगा। ठीक है। राधे राधे। कनिका, तीज का त्योहार तुम्हें याद नहीं था क्या? मुझे याद था माँ जी, लेकिन किसके लिए रखूं? खा लिया। हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं जी। हाँ, भूख तो मुझे बहुत लग रही है। और मेरे पति ने क्या कुछ कम गलत किया है अम्मा जी? मैं भी खा रही हूँ। बुआ, मैंने भी आज व्रत रखा है। सुहागनों का त्योहार है ना तीज, इसलिए। और मैं सारी तैयारियां कर लूंगी, किसी को कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात। इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का बंध जाए। अगर तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हो ना, मैं भी इस साल तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। शक बंध जाए इसमें जो भी हो जाए सच्चा सच्चा। अरे क्या हुआ बेटा? एक जरूरी कॉल करना है, मैं करके आता हूँ। अरे नाश्ता तो पूरा कर ले। नहीं जरूरी है। जल्दी से भोग बन जाए, फिर डेकोरेशन की तैयारी देखनी है। ज्यादा टाइम नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाए। गुड मॉर्निंग। अच्छा है तुम जल्दी उठ गई, आज तीज है ना, बहुत तैयारियां करनी है। बस हलवा बन जाए, तुमने भी व्रत रखा होगा। नव्या ये क्या कर रही हो तुम? हर शादीशुदा औरत आज के दिन व्रत रखती है। शादी? कौन सी शादी? हाँ शादी तब होती है जब इंसान उसमें खुश हो। और तुम्हारे भाई ने तकलीफों के लिए दिया ही क्या है मुझे? मैं क्यों रखूँ उसके लिए व्रत? नव्या तुम युग से प्यार तो करती हो ना? कौन सा प्यार? प्यार सिर्फ मैं करती थी, उसने मुझसे प्यार किया? दिल तो करता है इस शादी को आज ही तोड़ दो। पर अगर ऐसा है तो तुमने युग से शादी क्यों की? सुनना चाहती हूँ, सुन पाओगे तुम तो सुनो। हाँ करती थी मैं युग से प्यार, पर ये जानते हुए कि वो गरीब है मैंने उससे शादी की ताकि उसे मैं अपने तरीके से अपना पति बना के रख सकूं। पर यहाँ क्या हुआ, सब कुछ उल्टा हो गया ना। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे और आज वो मुझे अपने तरीके से अपनी पत्नी बनाने पर तुला हुआ है। पता चला वो ड्राइविंग लाइसेंस फेक है और उसने जो एड्रेस लिखा है वहां पे कोई नहीं मिला। आरडीओ से भी पता किया हमने, मिस्टर शुभ उस नाम का कोई भी आदमी नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर, कोई तो है, कोई तो है, वरना रहना का ये हाल नहीं होता। मुझे वो आदमी चाहिए, कैसे भी करके ढूंढिए उसे। ठीक है। युग छोड़ से, अगर इसको मेरे लिए व्रत नहीं रखना है तो ना रखे। इसके व्रत ना रखने से मेरी उम्र कम नहीं हो जाएगी ताई। क्या कर रहे तू? क्या बदतमीजी है ये? ताई पागल नहीं हुआ,
आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। नव्या को ऐसा लगता है कि मैंने उससे पैसों के लिए शादी की, लेकिन ये सच नहीं है। तू भी जानती है। पर क्या है लताई, ऐसे खेल खेल के रिश्तों का मजाक बना के इसने मुझे और गुस्सा दिला दिया है, और अब मैं भी खेल खेलूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे नव्या। तुम्हारे गेम में तुम्हें हराऊंगा मैं। पैसे तो अपने नाम कर ही चुका हूं मैं, अब तुम्हें एक एक पाई के लिए मोहताज बनाऊंगा मैं। ध्यान रखना तुम। तुम दोनों इस रिश्ते को संभालने की जगह और बिगाड़ रहे हो। प्लीज, ये मेरी और मेरी बीवी के बीच का मामला है, इसमें तू मत पड़ा। और जैसे तू मेरी नहीं सुनती ना, वैसे मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। और तुम, अगर तुम्हें मेरे लिए व्रत नहीं रखना तो मत रखो, मर नहीं जाऊंगा मैं। नव्या, पैसे आए हुए दो दिन हुए नहीं, उसने मुझे मना किया। नव्या, जसपाल को पैसों के लिए तरसाएगा वो, पर मैं भी ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि पैसों का सारा भूत उतर जाएगा उसके। क्या हुआ नव्या? ये शगुन और युग की जोड़ी चाची, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। तो मैं भी हार नहीं मानती, इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। बस ऐसे ही गुस्सा करती रहे तो। ये जो तीज का त्योहार पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, इस त्योहार पर तू अपने पति को बहुत बड़ा झटका देगी, मौत का झटका। खेल मेरा है और मोहरा बनेगी हमारी प्यारी नव्या। पंडित जी, प्रसाद के लिए और फूल और फल आ रहे हैं, और कुछ चाहिए? नहीं, हो गया बस। अच्छा, कुछ लगे तो जरूर बताना। नमस्ते, आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए। कनिका, पंचामृत वगैरह तैयार हो गया? जी तैयार। और शीरा वगैरह? तैयार है। शगुन ने सारी तैयारियां कर ली। अच्छी बात है। अच्छा, अम्मा जी लोग आ रहे हैं, चलिए चलिए। अरे वाह अम्मा जी, सुबह से शाम तक तो पूरे घर का हुलिया ही बदल दिया आपकी बहू ने तो। सही कहा आपने, बहुत सुंदर घर सजाया आपकी बहू ने। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, शगुन तो हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई है। लीजिए पंडित जी। पर ये शुभ शगुन कहाँ रह गए? Thank you.
ये क्या मुसीबत है? ड्रेस पे ना मैं गिर जा रही थी, संभाल ही नहीं जा रहा है। शुभ शुभ नीचे चलो ना पूजा में, नीचे चलते चलो ना शुभ। शुभ किसके साथ आ रहा है और इस चगुन पीछे पीछे क्यों चल रही है? चक्कर क्या है? शगुन को तो शुभ के साथ होना चाहिए ना। इसमें से शुभ की पत्नी कौन है? दोनों की मांग में सिंदूर है। आप सबका मेरे घर में स्वागत है। कहते हैं घर परिवार से बनता है और हर परिवार में कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मनमुटाव होता है। और ठीक उसी तरह मेरे परिवार के भी कुछ इशू हैं, कुछ मनमुटाव हैं। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने इस पूजा की तहे दिल से तैयारी की। तैयारी? पर शुभ, शुभ मैंने तो कोई तैयारी। प्लीज आप सब लोग इस पूजा में शरीक होइए और इस तीज के त्योहार को अच्छे से मनाइए। वाह जियारी वाह। घर आए मेहमानों से झूठ नहीं बोलते। इनका पहला झूठ, ये घर इनका नहीं मेरा है। इनका दूसरा झूठ ये है कि इस घर में थोड़ी बहुत कमियां नहीं है बल्कि कमियां ही कमियां हैं। और सबसे बड़ा तमाशा यह है कि इन्होंने मेरी ताई की जिंदगी बर्बाद की है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने मेरी ताई की जिंदगी बर्बाद कैसे की? इस घर में दूसरी पत्नी रखकर। यस माय फ्रेंड्स, रिच एंड रेस्पेक्टेड बिजनेसमैन मिस्टर शुभ जायसवाल की दो दो बीवियां हैं।
इनके साथ खड़ी है जो दिमागी तौर से सही नहीं है। और दूसरी मेरी ताई जिनको लगता है कि ये सही है और वो इन पे भरोसा कर चुकी है, लेकिन मैं नहीं करता। मेरा बस चले तो मैं इनको जेल में डाल दूं, पर मैं अपनी ताई के हाथों मजबूर हूं। अरे इनकी छोड़िए, इनसे भी चार कदम आगे है इनकी बहन, मेरी पत्नी। आप लोगों को पता है ये मुझसे इतना प्यार करती थी कि मुझसे शादी करने के लिए मरने तक को तैयार हो गई थी, लेकिन आज एक दिन भी भूखी नहीं रह सकती है ना। मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रख सकती। अरे ये तो मेरी मरने की कामना करती होगी, प्रार्थना करती होगी। What? योग। Yes. तुम्हें जो सोचना है सोचो। आप लोग हैरान कैसे हो गए, क्यों हो गए? अरे मेरे प्यारे जिया जी ने बोला ना अभी, छोटे मोटे मन मुटाओ इनके लिए नॉर्मल है ये चीजें। ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बहुत हो गया तेरा। ताई अभी तो शुरुआत है, और तू इन पे भरोसा करती होगी, मैं नहीं करता। चलिए आइए ना, पूजा करते हैं। नैना क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, चुप, बहुत दर्द हो रहा है। मैं इसे संभालती हूँ, तू यहीं पर आ जा, आ जा। शुभ, तुम भी चलो ना। शुभ, शुभ, बेटा कनिका उसे संभाल लेगी। लेकिन दादी, तुम पूजा करो। आप करिए पूजा में ध्यान। बस कुछ देर और फिर ना बचेगा भाई और ना ही होगी उसकी बहन।